हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ नोएडा स्टेडियम, वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ है बहुत बड़ा मेला। वहाँ पे दशहरा मेला, रामलीला, गेम्स, सब कुछ है वहाँ पे। राइड्स, जाइंट व्हील, मौत का कुआं, तरह तरह की राइड्स है। सो वहाँ पे जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा नोएडा सेक्टर 16, वहाँ से आपको बैटरी रिक्शा करना होगा। तो वहाँ पर जो सबसे मेन है वो मैं देखने जा रहा हूँ, मौत का कुआं। मैंने आज तक नहीं देखा, तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। और मेले की कोई एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ आपको राइड्स की फीस देनी होगी जो है 50 रुपीज़ ईच पर्सन। तो चलिए आइए, मिलते हैं वहाँ पे जाके। देखिए गाइस, आप भीड़ देख सकते हैं कितनी रौनक है इस मेले में। आप इस मेले में जरूर आइए, बहुत एंटरटेनमेंट है इस मेले में। तो गाइस देखिए, ये है बहुत बड़ा व्हील, इसका प्राइस है 100 रुपये 4-6 राउंड्स। हॉन्टेड हाउस, ये है रूप बदलने वाली लड़की नाग कन्या, अंदर ही रूप बदले जाते हैं, देखते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए छोटा सा झूला, यहाँ पे तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, आपको बहुत एंटरटेनमेंट होगा अगर एक भी बार अगर यहाँ पे आ गए आप। फैमिली के साथ आइए, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा। देखिए कितने लोग आए अपनी फैमिली के साथ, पूरा मेला भरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे खाने के लिए सब कुछ है, रिफ्रेशमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगी यहाँ पे, बहुत अच्छा मेला है, आप जरूर आइए यहाँ पे। ये है ब्रेक डांसर, देखिए यहाँ पे विशाल सर्कस लगी हुई है, 50 रुपये पर पर्सन। चलो चलिए आइए देखते हैं अंदर क्या है। तो मैंने 50 रुपये की टिकट ले ली है और देखिए वेटिंग है, अभी शो शुरू होने वाला है, तो चलते हैं अभी। ये टिकट है यहाँ के 50 रुपये की एक टिकट। लो जी, मेले आए हो और मेले का खाना ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। ओह क्या स्वाद आ रहा है, बहुत मज़ेदार। भैया क्या चीज है? ये चिला है, मूंग की दाल का आलू मसाला मटर टमाटर पनीर देसी घी का, मूंग की दाल का आलू मसाला। देख के स्वाद आ गया, देख के स्वाद आ गया। ये देखिए तेजी रही। लो जी, मेले दी टिक्की, एवी खा के देख लेने हैं। सर्कस जाने के लिए देखिए लाइन कितनी लंबी है, बस 50 रुपये टिकट है और लाइन देखिए। सर्कस में एंट्री कर ली है, 50 का 50 का।
टिकट 50 का सरगस। वैसे इसका नाम पन्नालाल रखा हुआ है और ये एम ई किए हुए एम ई किए हुए हैं। अभी ये पन्नालाल बताएगा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनमें ज़्यादा उम्र किनका है, ज़्यादा जमाना किसने देखा हुआ है। पन्नालाल जो पंडाल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसमें ज़्यादा उम्र वाला आदमी कहाँ बैठा हुआ है, जिससे ज़्यादा जमाना देखा हुआ है उनको ढूंढ देता हुआ जिनका उम्र ज़्यादा है। सब उम्र चेक करो यार पूरे पंडाल के अंदर किसने ज़्यादा जमाना देखा हुआ है, ऐसा आदमी कहाँ बैठा हुआ है जिन्होंने ज़्यादा जमाना देखा हुआ है और जिनका उम्र ज़्यादा है उनको ढूंढो जाता है। उन्होंने देखा है अभी की माता जी को बता रहा है जिनका उम्र ज़्यादा है और इन्होंने ज़्यादा जमाना देखा हुआ है। तो नाराज बात यही माता जी ने ज़्यादा जमाना देखा हुआ है तो कोई इनमें ऐसा आदमी ढूंढो तो घर से काजल लगा के आएंगे। आँखों में काजल किससे लगाओ, काजल लगा के आए हुए हैं इन सब लोगों में किन की आंखों में काजल लगा हुआ है, ऐसा कौन आदमी बैठा हुआ है इनके लगा हुआ बैठी लगाया हुआ है क्या लगाया हुआ है। ये है मौत का कुआं। Yeah!
तो गाइस कैसा लगा आपको मेला? मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, सब कुछ कवर किया। सो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा रहा और कैसे कैसे आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है मेले के रिगार्डिंग, तो मुझसे पूछ लेना। और जल्दी से जाइए, दशहरा 15th को है, उसके 5-10 दिन तक और रहता है। सो मुझे कुछ भी क्वेरी के लिए पूछना हो तो पूछ लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।